गुड इवनिंग। एसएससी एमटीएस 2019 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? जहाँ तक मैं समझता हूँ, या तो सीएचएसएल 2019 की तैयारी कर रहे होंगे या रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे। अगर सीएचएसएल 2019 की तैयारी कर रहे हों तो टीयर वन कैसे क्वालिफाई करें, इसका एक वीडियो मैंने चैनल पर कल ही अपलोड किया है, आप देख लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी। एक्चुअली बिहार और वेस्ट बंगाल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो अपलोड करने के बाद से ही नॉर्थ ईस्ट रीजन के बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर नॉर्थ ईस्ट के लिए भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक वीडियो अपलोड कर दीजिए। अब एक ही वीडियो में ऑल द सिक्स स्टेट्स को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था, फिर भी मैंने पूरा प्रयास किया है कि सभी स्टेट्स की एज ग्रुप वाइज और कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एक्सपेक्टेशन कर सकूं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोस हों उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं उन फैक्टर की जिनकी वजह से कट ऑफ लो रहेगी। देखिए, ये आपके सामने उन एग्ज़ाम्स की लिस्ट है जिनके रिजल्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। सबसे पहले हम टॉप थ्री पोस्टों को ले लें, सीजीएल 2017, सीएचएसएल 2017 और सीपीओ 2018। इन्हीं तीनों सर्विसेज में, सीजीएल में, सीएचएसएल में और सीपीओ में कम से कम 17 से 18 हज़ार कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो कि सिलेक्शन ले चुके होंगे, और इन कैंडिडेट्स ने एमटीएस 2019 का एग्ज़ाम भी दिया होगा। तो ये कैंडिडेट्स तो फाइट से बाहर हैं, ये ऑलरेडी सिलेक्शन ले चुके हैं, ये एमटीएस में नहीं आएंगे। दूसरी बात, ये जो कैंडिडेट्स थे, ये 17-18 हज़ार जो कैंडिडेट्स हैं, ये वो कैंडिडेट थे जो टॉप रैंकर्स थे, यानी जिनके मार्क्स जो हैं वो 85+ थे। तो सीधी सी बात है कि अब जो कंपटीशन में बचे हैं वो 85 के बिलो वाले कैंडिडेट्स ही बचे हैं, तो स्वाभाविक है कि मेरिट जो है वो लो होगी, कट ऑफ जो है वो लो होगी। इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण भर्ती है और वो है एसएससी जीडी 2018। 60 हज़ार कैंडिडेट्स की भर्ती इसमें हो रही है, ऑलमोस्ट डीएमई हो चुका है, और जहाँ तक मेरा ख्याल है आपका रिजल्ट आएगा उसके पहले एसएससी जीडी 2018 की ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स जो एमटीएस में भी अप्लाई किए थे और एसएससी जीडी 2018 में भी अप्लाई किए थे, वो अगर एसएससी जीडी में सेलेक्ट होकर के ज्वाइन कर लेते हैं तो एमटीएस की पोस्टें उसकी वजह से भी वैकेंट होंगी। और इसके बाद और भी तमाम पोस्टें हैं, सीपीओ 2019 है, सिलेक्शन पोस्ट है, एसबीआई क्लर्क है, और आपके स्टेट लेवल की बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो ये सारे जो वैकेंसीज हैं, ये सारे जो एग्ज़ाम्स हैं, ये सारी जो पोस्टें हैं जो फिलअप हो जाएंगी, तो सीधी सी बात है कि एमटीएस में कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली घट जाएंगे, कैंडिडेट्स कम हो जाएंगे, और कंपटीशन रेशियो जो पहले 1 और 15 टीयर वन का जब रिजल्ट आया था तो आपको 1 और 15 के रेशियो में क्वालिफाई कराया गया था, ये कंपटीशन रेशियो घट करके ऑलमोस्ट 1 और 5 का रह जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं रहेगा, इससे कम ही रहेगा, तो मेरिट जो है वो लो होगी। अब आइए बात कर लेते हैं कि वैकेंसीज कितनी है नॉर्थ ईस्ट रीजन में। देखिए, अगर हम एसएससी एमटीएस 2019 में वैकेंसीज की बात करें नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो पहले 18 से 25 एज ग्रुप में देखते हैं। 18 से 25 एज ग्रुप में असम में 104 वैकेंसी हैं, नागालैंड में 28 वैकेंसी हैं, मेघालय में 34 वैकेंसी हैं और त्रिपुरा में 14 वैकेंसीज हैं 18 से 25 एज ग्रुप में। और अगर हम 18 से 27 एज ग्रुप की बात करें
तो 18 से 27 एज ग्रुप में असम में 39 वैकेंसीज हैं, मेघालय में 17 वैकेंसीज हैं, अरुणाचल प्रदेश में 5 वैकेंसीज हैं और मणिपुर में केवल एक वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की है। तो ये वैकेंसीज की पोजीशन आपके सामने हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि फिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। पहले असम की बात करते हैं। देखिए ये आपके सामने एमटीएस 2019 पेपर 1 की रिजल्ट शीट है जो 5 नवंबर 2019 को जारी की गई है और इसमें टीयर 1 में क्वालिफाई कराए गए कैंडिडेट्स की कट ऑफ मार्क्स दिए हुए हैं। अब तक की एनालिसिस से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो काफ़ी लो रहने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको कंसीडर नहीं किया गया है, वो भी कंसीडर किया जाना चाहिए और वो ये है कि सॉरी, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स हैं, जैसे जो कैंडिडेट दिल्ली का रहने वाला है, जो कैंडिडेट गुजरात का रहने वाला है, जो राजस्थान का रहने वाला है, जो तमिलनाडु या महाराष्ट्र का रहने वाला है कैंडिडेट, उसने नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को प्रेफरेंस कतई कतई नहीं दिया होगा। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि कट ऑफ को लो करेगा। तो चलिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ 70.07 शो की जा रही है, लेकिन 11 नवंबर को जो एडिशनल कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी की गई है उसमें ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो 66.9 है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 72 to 73 मार्क्स के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी की। तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है 69.8 है। देखिए एसटी कैटेगरी की कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस से ऑलमोस्ट 3 मार्क्स प्लस है। तो अगर एससी कैटेगरी की हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो ये 75 to 76 मार्क्स के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। और शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी की बात करें एसटी कैटेगरी की, तो इनकी कट ऑफ 61.3 रही है और इसके अकॉर्डिंग इनकी कट ऑफ जो है वो 67 to 68 मार्क्स के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। अब आइए बात कर लेते हैं ओएच कैटेगरी की। ओएच कैटेगरी की कट ऑफ जो यहाँ पर है टीयर 1 की वो 58.7 है और इसके अकॉर्डिंग ओएच कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड है 65 to 66 मार्क्स के बीच में। एचएच कैटेगरी की बात करें तो एचएच कैटेगरी में केवल एक वैकेंसी है और इसलिए इनकी जो कट ऑफ है वो 45+ मार्क्स रहने वाली है। सॉरी थोड़ा गला ख़राब है तो एडजस्ट कीजिएगा। अब इसके बाद बात करें हम ओबीसी कैटेगरी की, तो ओबीसी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 69.2 है और इसके अकॉर्डिंग जो ओबीसी कैटेगरी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 76 to 77 मार्क्स के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। वीएच कैटेगरी की देखिए एक ही वैकेंसी है वीएच कैटेगरी में और 15 कैंडिडेट क्वालिफाई कराए गए हैं, इसलिए इनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 60+ मार्क्स रहने वाली है। और ठीक इसी तरह अदर पीडब्ल्यूडी की अगर हम बात करें तो अदर पीडब्ल्यूडी की भी केवल एक ही वैकेंसी है, कट ऑफ भले ही 34 है लेकिन इनकी भी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 45+ रहने वाली है, इससे कम नहीं रहेगी चूंकि वैकेंसी कम है। अनरिजर्व की बात करें तो अनरिजर्व की कट ऑफ जो है टीयर 1 की 71.3 है और इसलिए अनरिजर्व की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 77 to 78 मार्क्स के बीच में रहने वाली है। तो ये था एक्सपेक्टेड कट ऑफ 18 से 25 एज ग्रुप का। अब बात कर लेते हैं कि 18 से 27 एज ग्रुप के कैंडिडेट्स की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है असम स्टेट में वो कितनी रहने वाली है।
तो ये आपके सामने असम स्टेट की 18 से 27 एज ग्रुप की कट ऑफ की जो फिगर्स हैं टीयर 1 की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए ये आपके सामने असम की EWS की फिगर आ गई 71.7, लेकिन ये 68.0 है 11 नवंबर की लिस्ट में। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी की जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड वो 73 to 74 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। SC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो SC कैटेगरी की कट ऑफ 69.8 है और इनकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो 75 to 76 के बीच में रहने वाली है। शेड्यूल ट्राइब्स की अगर हम बात करें तो ST की कट ऑफ 60.5 टीयर 1 की रही है और इसके अकॉर्डिंग इनकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 67 to 68 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। अब इसके बाद हम अगर हम बात करें OH कैटेगरी की, तो हमने OH कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 58.37 है और चूंकि एक ही वैकेंसी है इसलिए OH कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 68+ रहने वाली है। OBC कैटेगरी की अगर हम बात करें तो OBC कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 77 to 78 के बीच में एक्सपेक्टेड है। अदर PWD की बात करें तो अदर PWD की भी केवल एक ही वैकेंसी है इसलिए इनकी कट ऑफ 48+ एक्सपेक्ट की जाती है। और अनरिजर्व कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 78 to 79 के बीच में एक्सपेक्ट की जाती है। तो ये थी असम स्टेट के लिए 18 से 27 एज ग्रुप की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। अब बात कर लेते हैं मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखिए अगर हम 18 से 25 एज ग्रुप की बात करें तो असम, नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा केवल इन्हीं 4 स्टेट्स में वैकेंसीज हैं। अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में 18 से 25 एज ग्रुप में कोई वैकेंसी नहीं है। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो मेघालय, त्रिपुरा और असम इन तीनों की कट ऑफ जो है बिल्कुल वही रहने वाली है जो कि असम की कट ऑफ मैंने एक्सपेक्ट की है। असम की जो मैंने कट ऑफ एक्सपेक्ट की है वही कट ऑफ जो है मेघालय और त्रिपुरा की कैटेगरी वाइज रहने वाली है। जहाँ तक नागालैंड की बात करें तो नागालैंड की कट ऑफ जो है जो असम की कट ऑफ है उससे -1 मार्क्स लेस कर दीजिए तो आपको नागालैंड की कट ऑफ भी मिल जाएगी। असम, मेघालय और त्रिपुरा की कट ऑफ बिल्कुल सेम रहेगी, नागालैंड की कट ऑफ जो है वो -1 मार्क्स कर दीजिए तो नागालैंड की एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज आपको मिल जाएगी। अब आइए बात कर लेते हैं 18 से 27 एज ग्रुप में। तो 18 से 27 एज ग्रुप में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर इन 4 स्टेट्स में ही वैकेंसीज हैं। तो अगर हम मणिपुर की बात करें मणिपुर में केवल एक वैकेंसी है और वो भी अनरिजर्व कैटेगरी की है और इसकी जो कट ऑफ टीयर 1 की है वो 79 है। तो मणिपुर की जो कट ऑफ है 18 से 27 एज ग्रुप की वो 85+ मार्क्स रहने वाली है, इससे कम नहीं होगी क्योंकि वैकेंसी केवल एक है। अब आइए अरुणाचल प्रदेश की हम बात कर लें। अरुणाचल प्रदेश में 5 वैकेंसीज हैं तो अरुणाचल प्रदेश में अनरिजर्व की जो है कट ऑफ वो 82+, OBC की 80+ और ST की 76+ रहने वाली है, SC की 76+ और EWS की 78+ कट ऑफ जो है वो
रहने वाली है। मेघालय की अगर हम बात करें तो मेघालय की कट ऑफ और असम की कट ऑफ ऑलमोस्ट सेम रहेगी, लेकिन अगर आपको मेघालय की कट ऑफ वर्कआउट करनी है तो असम की कट ऑफ में से -1 कर दीजिए कैटेगरी वाइज, तो आपको 18 से 27 एज ग्रुप में मेघालय की कट ऑफ मिल जाएगी। मेघालय की कट ऑफ जो है असम की कट ऑफ से 18 से 27 एज ग्रुप में 1 मार्क्स जो है वो लेस रहेगी। तो ये था नॉर्थ ईस्ट रीजन का एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो। आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करके और अपने ग्रुप्स में सभी को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।